हेलो फ्रेंड्स, संगीता किचन में आपका स्वागत है। आज मैं लाई हूँ आपके लिए तीन कोने की निमकी रेसिपी, जो बनाना बहुत ही आसान है। तो इस रेसिपी को आप घर में ज़रूर ट्राई करें। पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तीन कोने वाले निमकिन बनाने के लिए मैंने 1 केजी यहाँ पर मैदा लिया है। मैंने 3 चम्मच यहाँ पर नमक लिया है। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम रिफाइंड ऑयल लिया है। 1 चम्मच मैंने काला जीरा, 1 चम्मच अजवाइन लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 केजी मैदा लिया है, जिसमें मैं 200 ग्राम रिफाइन ऑयल डाल दूंगी। मैं सारे रिफाइन ऑयल डाल दूंगी, 200 ग्राम मैंने लिया था। यहाँ पर मैं काला जीरा और अजवाइन, जो मैंने 1 चम्मच काला जीरा और 1 चम्मच अजवाइन रखा था, मैं वो डाल दूंगी। यहाँ पर मैंने 3 चम्मच नमक लिया था, मैं वो डाल दूंगी। उसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मैंने इसको अच्छे तरह से मिक्स कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें अच्छे से मैंने रिफाइन को मिक्स कर लिया है। अब मैं यहाँ पे पानी डालूंगी। पानी मैं हल्का सा गर्म ले ली हूँ, जिसमें मेरा हाथ सह सके इतना गर्म लेना है। ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का ही गर्म पानी लेना है। अब मैं धीरे धीरे पानी को इसमें डालूंगी। मैं पहले 1 कप पानी इसमें डाल देती हूँ, उसके बाद मैं इसको मिक्स करूँगी। ज़्यादा एक बार में नहीं डालें, नहीं तो गीला हो जाएगा। गीला से निमकिन हमारा अच्छा नहीं बनता है, इसलिए हल्का ही पानी डालें। इसको मैं अच्छे से गूंद लूँगी। जब मेरे को पानी लगेगा तो मैं इसमें पानी और डालूँगी। पहले हमें हल्का हल्का पानी से इसको हमें गूंदना है। एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डाले, नहीं तो ये गीला हो जाएगा। इसमें और पानी लगेगा, मैं और डाल लूंगी पानी। इसको हल्का हल्का पानी देके ही गूंदना है, एक बार में ज़्यादा ना डाले। देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने अच्छे से गूंद लिया है। अब हमको इसमें पानी नहीं डालना है, इसी में अच्छे से मिला के इसको अच्छे से गूंदना है। मैं दोनों हाथ की मदद से इसको अच्छे से गूंद लूंगी। देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने अच्छे से गूंद लिया है। इसको जितना गूंदेंगे ये उतना ही इसका निमकिन अच्छा बनेगा। इसको मैंने अच्छे से गूंद लिया है। अब मैं इसको इतने बड़े बड़े टुकड़े बना लूंगी कि हमें इसका छोटा छोटा लोई बनाने में आसानी होगा। ऐसे करके मैं इसका लोई बना लूंगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से इसको कर लिया है। आप कैसा भी इसका साइज दे सकते हैं। ऐसे करके इतने बड़े बड़े साइज में इसके बना लूंगी। आप चाहे तो इसका कैसा भी साइज दे सकते हैं, इससे बड़ा भी दे सकते हैं या इसे छोटा भी बना सकते हैं। मैं ऐसे करके सारे को कटिंग कर लूंगी छोटे छोटे लोई में। देखिए, जो बचा है मैं इसमें डाल के फिर से इसका मैं लोई तैयार कर लूंगी। मैंने सारे यहाँ पे लोई काट के या गिट्टी काट के मैंने तैयार कर लिए हैं। अब इसमें ना हमको ऑयल लगाना है और ना सूखा आटा लगाना है, इसको हमें ऐसे ही बेलना है। तो मैं इसको हाथ से ऐसे करके दबा दूंगी, उसके बाद बेलना की मदद से मैं इसको बेलूंगी। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे करके मैं इसको अच्छे से बेल लूंगी। इसको हमें टाइट आटे से बेलना है, हाथ से बेलना है। इसको अच्छे से मैं बेल लूंगी, उसके बाद मैं इसको एक तरफ से इस तरह से कोर उठा के मैं इसको पूरा उठा लूंगी। उसके बाद उल्टा करके मैं इसको यहाँ पर डाल दूंगी। उसके बाद मैं इसको उठा के फिर यहाँ पर डाल के इसको मैं इसको ऐसे करके हल्का सा दबा के इसको मोड़ के फिर दबा लूंगी। देखिए फ्रेंड, हमारा निमकी हो गया तैयार। ऐसे करके मैं सारे निमकी को तैयार कर लूंगी। सारे निमकी को बेल के मैंने तैयार कर लिए हैं। यहाँ पर मैंने रिफाइन ऑयल का यूज़ किया है, आप भी रिफाइन ऑयल का ही यूज़ करें।
अब हमारा ऑयल गरम हो गया है, अब मैं एक एक निमकी इसमें डाल देती हूँ। गैस को ज़्यादा तेज ना करें, नहीं तो ऊपर से ब्राउन हो जाएगा, अंदर से पकेगा नहीं। ऐसे करके मैं बना, देखिए फ्रेंड्स एक तरफ से ये ब्राउन हो जाए, हल्का हो गया है। मैं इसको हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा देर पर मैं इसको उलट उलट के पकाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा से फूल गया है, एकदम खस्ता होता है नीमकी, चाय के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। देखिए फ्रेंड्स इसको मैंने पलट पलट कर अच्छे से पका लिया है, ये हमारा नमकीन हो गया है तैयार। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स ऐसे करके मैं सारे नमकीन को तैयार कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स मैंने सारे तीन कोने वाले नमकीन तैयार कर लिया है।